मैं कला शिक्षक मनोहर वाविस्कर, विद्यार्थी मित्र हो मेमोरी ड्राइंग यानी स्मरण चित्र, किसी भी प्रसंग को याद करके पिक्चर में ह्यूमन फिगर ड्रॉ एंड कलरिंग करना होता है। जैसे कि मैदान में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं यानी काइट फ्लाइंग, तो इसी विषय को लेकर आज हम पिक्चर ड्रॉइंग एंड कलरिंग करते हैं। नमस्ते विद्यार्थी मित्र हो, किसी घटना का चित्र के रूप में रेखांकन करने के लिए आपको अपने पुराने अनुभव को सीधे अपने पेपर पर उतारना होता है। किसी घटना को याद करते हुए उसी आधार पर पेपर पर रेखांकन करने के बाद कलर काम करो। अभ्यास करते समय मानव शरीर के अंगों के संचालन मोमेंट्स पर विशेष ध्यान दें। अपने चित्र में चलते हुए, भागते हुए, बैठे हुए तथा सोए हुए व्यक्ति के विभिन्न गतिविधियों, हरकतों को चित्रित करने की कोशिश करें। स्मृति चित्र बनाने की पूर्व तैयारी के लिए सूक्ष्म निरीक्षण और रेखांकन करने का भरपूर अभ्यास करना जरूरी है। इस चित्र में व्यक्तियों का उचित आकार में चित्रांकन करने के कारण मुख्य विषय को समुचित महत्व प्राप्त होता है। व्यक्ति रेखाटन करने के बाद बैकग्राउंड को महत्व अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पूरे व्यक्ति रेखाटन करने के बाद हमने रुई यानी कापूस से बैकग्राउंड को वॉश देना शुरू किया है। कपासी को हल्का सा वाटर कलर में भिगो के वॉश दे सकते हैं ताकि अपना कलर काम जल्दी से हो सके। बैकग्राउंड को ब्रश को कलर न देते हुए कपास से यानी कापूस से वॉश दिया है। उसके बाद ह्यूमन फिगर के ब्रश के जरिए कलर करने का काम शुरू किया है। सबसे पहले व्यक्ति रेखाटन स्किन कलर देना चाहिए। स्मृति चित्र में रंग भरने का कार्य विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। चित्र में सबसे पहले वाटर कलर से सपाट रंग भर कर हल्का व मध्यम छटा का प्रयोग करें। हमेशा हर एक पार्ट में हल्का सा कलर कीजिए। उसके बाद वो कलर सूखने के बाद डार्क टोन दे सकते हैं। इससे 3D इफेक्ट मिलता है यानी कि लाइट, मिडल, डार्क। चित्र में रंग भरने के लिए चमकीले और आकर्षक रंग विन्यास का उपयोग करें। आकृतियों की परछाइयों को गाढ़े से रंगों से रंगें। इसी तरह पूरा कलर होने के बाद डार्क टोन देना न भूलें।